में ले लिया है, जबकि धमाका दस्ती बम का था, दूसरा दस्ती बम फट नहीं सका। पुलिस जराय की जानिब से कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने दूसरे दस्ती बम को नाकारा कर दिया है। इसी बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे फरीदुल्ला से। जी फरीद, ये धमाका हुआ है, क्या इत्तलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये कोयटा का सफजल रोड है, यहाँ पुलिस थाना है, शहीद अमीर मोहम्मद दस्ती, इसके सामने जो है नामालूम दहशत गर्दों ने दस्ती बम से हमला किया, जिसके नतीजे में रोड पे जाने वाले चार आगे जिनमें खातून, एक बच्ची और दो मर्द शामिल है, जख्मी हुए हैं। दूसरा बम फेंका गया, दस्ती बम जो फट नहीं सका, जो रोड की दूसरी जानी जाके गिरा है। इसके धमाके के बाद जो जोरदार आवाज सुनी गई है, जिसके बाद पूरे पुलिस थाना के बिल्कुल सामने थे, हमले ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और दोनों तरफ से ट्रैफिक को जाम कर दिया, रोक दिया ताकि कोई सफाई, ताकि दूसरा कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस असना में जो पुलिस ने फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हमले को तलब किया है, उसने पहुंच कर जो दूसरा दस्ती बम था उसको नाकारा बना दिया और तहकीकात की जा रही है कि धमाका करने वाले लोग कौन थे। इसके बाद जो जख्मी है उनको फौरी तौर पर जो BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला, हमें अपडेट कर रहे थे।